हमारी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा भारत देश आजाद हुआ, लेकिन मन की बुराइयों से आजादी, व्यसनों से, अनेक प्रकार के दुर्गुणों से आजादी भी हमें चाहिए। उसके लिए आध्यात्मिकता अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस उपलक्ष में ब्रह्मा कुमारीज के 20 प्रभागों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी वर्ग अपने अपने क्षेत्र में अगर आध्यात्मिकता का समावेश करें और आंतरिक सशक्तिकरण की ओर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता पाएंगे और भारत फिर से स्वर्णिम भारत बनेगा। तो हमारे 20 प्रभागों में एक विभाग है, प्रशासक विभाग। प्रशासक विभाग के लिए राजस्थान में शुभारंभ किया जा रहा है और ये शुभारंभ आज 20 मई को राजभवन में होगा, दोपहर को 12 बजे। हमारे महामहिम माननीय राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्रा उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तो हमें आज खुशी है कि आज राजभवन में आध्यात्मिक द्वारा प्रशासकों में उत्कर्षता की थीम पर ये हो रहा है और पूरे राजस्थान में विभिन्न जिलों में आगे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो शुभारंभ में थीम है दया एवं करुणा द्वारा समाज में उत्कृष्टता लाई जाए, क्योंकि प्रशासक वर्ग सेवा के कार्य में जुड़ा हुआ है। जनता को सुख सुविधाएं देना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, ये निस्वार्थ सेवा, सच्ची सेवा। इसमें मूल रूप से दया और करुणा भाव आवश्यक है, तभी हम सच्चे दिल से सेवा कर पाएंगे। और ये दया और करुणा का भाव प्रेम भाव से विकसित होता है और प्रेम भाव परमात्मा द्वारा हम जितना लेंगे अपने अंदर, उतना ही सर्वात्माओं को निश्चल प्रेम बांटेंगे। तो आध्यात्मिकता द्वारा ही ये संभव है। इसी उद्देश्य को लेकर आज शुभारंभ होने जा रहा है।